guys. Hi, this is Richa. I'm Shlok. I'm Deepika. And welcome back to our channel, What the Fans. So, something new, something different. Yeah. Somebody new for us. Yeah. तो ठीक है, ये कुछ अलग है और ठीक है, हम नाम के लिए इतने 100% श्योर नहीं, हम लोग जो प्रोनाउंस करेंगे, बट हमें लग रहा है वो रॉफ एंड फैक होगा. हाँ, इफ रॉन्ग है वी आर एक्सट्रीमली सॉरी. एंड इन दिनों काफी सारे कमेंट्स आए इनके रिलेटेड. हमने जब ओपन किया, मतलब यू नो वी थॉट कि कुछ यू नो अलग टाइप का कंटेंट होगा रमजान पे, जब हमने इनको देखा लाइक थंबनेल, आई थिंक एशियन नहीं लग रहा है. हाँ, वो अलग एशियन लग रहे हैं, मतलब आई थिंक इंडियन या पाकिस्तानी नहीं लग रहा. आउट ऑफ इंडिया कहीं और ही बचपन से पले बड़े हैं. आउट ऑफ इंडिया पाकिस्तान. कर दो इधर कर दो सब कुछ. आप लोग समझ रहे हैं ना. थंबनेल से हमने इतना गेस कर लिया. आई थिंक हमें पूरा देखना चाहिए था, उसके बाद ही फिर बातें करनी चाहिए ना. अभी वो हम पहले देखो, मतलब फिर बातें करते हैं. ठीक है ना, कुछ अलग पता नहीं क्या होगा. हम ऑलरेडी बहुत अग चुके, अब कुछ नहीं बोलना. तो फर्स्टली मुझे अभी पता चला लोग जिस पर रिएक्ट करने कह रहे हैं वो बाजू में है वीडियो. कितने डेज अगो है वो देख. शायद लास्ट ईयर का है. बाजू यहाँ पे डे नहीं लिखा.
दिस इज 10 months अगो और एक हमें दिख रहा है जो है 6 days अगो. ठीक है, हम अलग है, मतलब मैंने आज तक नहीं सुनी है, मतलब जो बहुत अलग टोन है, अलग ऐसा लगा तो कुछ अलग ही बोल रहे हो. इस आवाज में ना वो सुरूर जैसे लगा रहे थे वो बहुत अच्छा लग रहा था. आई थिंक बहुत सूदिंग था, मतलब हद पार सूदिंग था. इसका जो सेकेंड हाफ में क्लैप जैसा बीट था वो भी इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था. उस पार्ट में ऐसा लग रहा था बस बैठ के शांति से सिर्फ सुनो, वो इतना Enlightening सा था. ये ना ये एकदम खाली कमरे में ऐसा बजा के छोड़ दो और अपने आप चल मारो बैठे. श्लोक का अल्टीमेट चीज ये होता है जो बेस्ट है ना वो ऐसे ही सुनना है. सुकून इसमें नाम के लिरिक्स बहुत प्यारे लिखे हैं, बहुत ज्यादा प्यारे लिखे हैं. एंड जस्ट हद पर रिलेटेबल है क्योंकि आई थिंक बहुत इजी थे वो लाइन के. उन्होंने हमें इंग्लिश में तो और पावर दिया है सो दैट वी कैन सी वो लोग जिनको स्ट्रगल्स देखने पड़ रहे हैं एंड हेल्प देम. वाओ जस्ट वे से लिखा दैट वाज फैब. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ पक्का फिर सेकंड पार्ट में भी, आई मीन सेकंड पार्ट एज इन जो अभी 6 डेज अगो है उसमें भी कुछ वैसा ही रहेगा. ये उसी का ही ऐसा तो नहीं है ना कि प्रॉपर वीडियो है बिकॉज़ ड्यूरेशन 17 आई थिंक 10 महीने में तो ऐसा नहीं होगा. हां 10 मिनट में 10 मुझे लगा इतनी सी बात कौन पकड़ता है यार. हम ये तो बाजू में बैठा ही इसलिए मैं बस वेट करता है कि तू कुछ उल्टा बोल, तू एक वर्ड उल्टा बोल मैं पकड़ के बैठ. जबकि ये पूरे टाइम क्या क्या उल्टा बोलता है मैं तो ध्यान मान ले गया. इतना फुटेज ऐसा को वही मेरी इम्पोर्टेंस ज्यादा मुझे नहीं पता चल गया. मैं कुछ उल्टा बोलूं दोनों इम्पोर्टेंस ज्यादा नहीं है तो रोस्ट ज्यादा कर. ठीक है मुद्दे की बात ये भाई तू बहुत तसल्ली दे रही है खुद को एक सॉफ्ट वे से. और उसके भाई ये मैं बस देख के मुझे डर लग रहा है. मुझे डरना चाहिए अभी बट ये रहते कहाँ पे है. हाँ, इनके सब्सक्राइबर्स भी बहुत अच्छे हैं यार. इनके सब्सक्राइबर्स भी 5 million प्लस है. हाँ देखे तूने तब देख लिया रहेगा पीछे जा रहे थे. वेरी नाइस एंड दे डिजर्व इट, दे लिटरली डिजर्व इट. और बहुत बहुत अच्छा लगता है जब कोई जो कंटेंट क्रिएटर एज इन जो अपना एक आर्टिस्टिक वे से कुछ लाते हैं और लोग उनको फॉलो करते हैं, उनको सब्सक्राइब एंड एवरीथिंग, उनको सपोर्ट करते हैं इन वेज में. क्या हुआ दीपिका, क्या हुआ? मैं ऑलमोस्ट मेरी आज सारा लाइन बोल चुके थे मन में और मैं बोलने का तो शुरू होती और फक मिली वो इतना फनी था कि मैं मुंह के अंदर बोल दी हूँ थोड़ा बहुत और तूने शुरू हो गया तो खत्म ही नहीं कर रही है. मैं तब से अब तक हंसी आ रही है. मैं क्या बोल रही थी. यस जब लोग सपोर्ट करते हैं बहुत 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 अच्छा लगता है. फॉर से जो हमारा दोस्त है अमन वो एक रैपर है और लोग जब उसको सपोर्ट करते हैं हाय वो फीलिंग बिकॉज वी नो कितना टफ होता है. हम लोग रिएक्ट करते हैं दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग फ्रॉम यू नो एक इतना टाइम डालो और तुम्हें एक इसको मिलाना है उसको मिलाना है 100 चीजों को मिलाना है और फिर तुम एक चीज निकाल रहे हो उसमें जितना जान जाता है ना. और जब वो लोगों को भाने लगती है वो चीज यार आई स्वेयर लोग जब सपोर्ट करते. अरे फॉर से ये तो जस्ट हम कंपेयर नहीं कर रहे लेकिन जब हमारा चैनल हमने स्टार्ट किया था दीपिका मैं आज से बोलना जब हमने चैनल स्टार्ट किया था कोई 10 सब्सक्राइबर्स भी हो ना हम लोग ऐसे सब्सक्राइबर्स आए. अरे भाई दिंका जो भी पता है 15-20 सब्सक्राइबर बढ़ते थे एक टाइम पे 100 बढ़ते थे तभी ऐसा लगता था भाई मजा आ गया मतलब अच्छा जा रहा है अच्छा जा रहा है. ऐसा एक एक चीज भी इतनी मैटर करती है तो आसानी तो कमेंट्स कर रहे हो कोई फेक आईडीज तो नहीं कर रहा है. बच्चा तो आधे टाइम ये बोलती थी काफी टाइम तक ये बोलती थी फेक आईडीज. मैंने कहा कौन किसके पास इतना टाइम है कि फेक आईडी से अपन को कमेंट करेगा, वो भी जानता कौन है अपने को यार. एंड अभी वापस कम कर रहे लोग ये गलत है भाई. देख सब रहे हो हमको सब मिलता है देना नहीं छोड़ेगा छोड़ने वाला है. हमको पता चलता है कौन कितने कैसे कितने परसेंट ऑफ लोग विदाउट सब्सक्राइब करके देख रहे कितने नहीं बोला वापस नहीं बोला है ना तू इस पे जूम मारेगी कुछ जिफ या कुछ आता है.
सुनो इसको बाहर रखते हैं, इसको निकाल देते हैं। मैं क्या बोल रही थी, तब से मैं बोलना चाहती थी, अच्छा ने बोलने का मौका नहीं दिया। आई फील दिस इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो जो भी हमने अब तक देखी है। हम नाच देख रहे हैं, हम अलग अलग टाइप के कॉन्टेंट देख रहे हैं, रमजान रिलेटेड कॉन्टेंट देख रहे हैं, लेकिन आई थिंक इसके अंदर एक बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ फील था। अगर हम बाकी कॉन्टेंट से इसको अच्छा डोंट डू दिस मतलब अगर हम बाकी चीजों के साथ इसको कंपेयर करें तो आई थिंक बहुत डिफरेंट वाइब था। एंड इसका जो टोन था मतलब वो पता है किससे सिमिलर था, ये वेविंग फ्लैग। वेविंग फ्लैग एक जॉनर अलग था, ये जॉनर अलग है, लेकिन एक वो जब क्लैप वाला पार्ट है, मैं जब वेविंग फ्लैग सुनती हूँ ना मुझे इतना ऐसे वो वाली फीलिंग जो आती है ना उस वाले पार्ट में, ये वाला पार्ट भी वैसा ही था मेरे लिए। इवन दो दोनों में जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत अलग है, बट दोनों की फीलिंग मेरे लिए सेम है। इनके लिरिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, आई थिंक इनका जो क्या बोलते हैं सर सरगम पिच जो बोलना है बोलो, लेकिन जो इनका रिदम था आई थिंक द करेक्ट वर्ड, वो इतना ज्यादा सूदिंग था। जो फर्स्ट टाइम से इन्हें रमदान बोला कितना सुंदर, एक बार तो मुझे समझ नहीं आया कि भाई क्या एक्सेंट चल रहा, फिर पता चला वो ब्रिटिश एक्शन। ईयरफोन्स कब से नहीं, वो यहाँ पे इसीलिए था इस तरीके से फोन। ब्रिटिश एक्सेंट यस, अभी से देखो वो कभी ना निकल जाता है, मैं जानबूझ के किया क्योंकि यहाँ पे फिट हो रहा है, मैंने भाव तक नहीं किया, मैं सब भाव ही हूँ क्योंकि वो पहले अपनी कॉन्वर्सेशन हो गई। नहीं ये नहीं होगा, मुझे बोलना है, मेरे को बोलना है, बोलने दे। क्या बोला था एक्शन, क्या बोला था ब्रिटिश एक्सेंट को करेक्ट हो रहा है। जो दूसरे वीडियोज है उनपे हम फिर भी पहुंच जाए, लेकिन एक अलग वे था, अलग पूरा अलग था, समझ रहे हो, डिफरेंट था। यस हम इस पे नहीं पहुंच पाते, सो थैंक्स टू यू गाइस, प्रीटी वेरी प्रीटी। पीछे जो झाड़ वाड़ दिख रहे वो इतना प्रीटी लग रहा है, बट ये तो इतना सारा प्रीटी है तो सही, प्रीटी प्रीटी। तो यस गाइस थैंक यू सो मच, हम जो 6 days ago वाला है उसका भी करेंगे, बाय, थैंक यू गाइस। और कोई ब्रिटिश एक्शन पे करना है तो हमें बता दो, और सब लोग सब्सक्राइब भी करेंगे, सब्सक्राइब करना, अगर मैंने नहीं बोला सब्सक्राइब, बाय।